हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। पसली के दर्द को नज़रअंदाज करने से हो सकती हैं गंभीर बीमारियां। चलिए जानते हैं इन बीमारियों के बारे में। शरीर की पसलियां घुमावदार होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। पसलियों के ढांचे के अंदर दिल, फेफड़े व कुछ अन्य अंग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन यदि पसलियों में किसी प्रकार की चोट लग जाए तो इससे कई गंभीर बीमारी हो सकती हैं। इसलिए समय रहते पसलियों का इलाज कराना जरूरी होता है। पसली में दर्द के कारण। पसलियों में चोट लगने के अलावा किडनी में दर्द, अपच की समस्या, पेट में छाले या सीने में जलन की वजह से पसली में दर्द हो सकता है। फाइब्रोमायल्जिया जैसी समस्या में पसलियों के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। मांसपेशियों में दर्द की वजह से भी पसलियों में दर्द की समस्या हो सकती है। यही नहीं, पसली में दर्द कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें पेट दर्द और ऐंठन होती है। इसके अलावा फेफड़ों के कैंसर के कारण भी पसलियों में दर्द हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उपचार की। यदि पसलियों में दर्द की समस्या रहती है तो इसके सटीक कारण का पता लगाना बेहद जरूरी है। कई लोग दर्द के लिए पैरासिटामोल या कोई भी दर्द निवारक दवा लेकर काम चला लेते हैं, लेकिन कई मामले में दर्द निवारक दवाएं केवल कुछ समय तक ही काम करती हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। यदि किसी सूजन की वजह से बाईं ओर की पसलियों में दर्द है तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेकर सूजन कम करने की दवाएं ली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई दे सकते हैं। कुछ अन्य कारणों की वजह से भी पसलियों में दर्द हो सकता है, जिसके लिए घरेलू उपचार कारगर हो सकते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में डॉक्टर्स के पास जाना ही उचित उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।